तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखोगे कि कहते हैं एक लाइट रॉड है ओवर ए क्लैंप ऑफ द मास एम, ठीक है ना। एक लाइट स्ट्रिंग है और वो एक क्लैंप के ऊपर पास हो रही है। ये वाली जो स्ट्रिंग है, दिस इज द स्ट्रिंग, लाइट मासलेस है, और ये जो है ये क्लैंप है, इसको क्लैंप बोलते हैं। और सपोर्टेड बाय द मास कैपिटल एम, क्लैंप जो है पोली के पास, यहाँ पर मास है, ध्यान देना। व्हाट इज द फोर्स ऑफ द पोली बाय द क्लैंप, ठीक है ना। ये जो क्लैंप है पोली पे कितना फोर्स लगाएगा। तो देखो, अगर तुम इसका यहाँ पे सही सही डायग्राम बनाओगे, वो भी सही ही था, तो यहाँ से तुम एक सपोर्ट है एक क्लैंप है ये वाला, तो ये जो है क्लैंप पोली पे कितना फोर्स लगा रहा है ऐसे। तो यहाँ से एक स्ट्रिंग पास हो गई है ऐसे, ये वाली चीज़, ठीक है। अब देखो, तो कुल मिला के ये देखो, क्लैंप जो है उतना फोर्स लगाएगा पुली पे जितना पुली क्लैंप पे लगाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले अब मैं पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, तो पुली पे लगने वाले अगर फोर्स दिखाऊँ, तो यहाँ पर पुली पे कैपिटल एम जी लगेगा जो टेंशन, और यही कैपिटल एम जी यहाँ पे कैपिटल एम जी वही टेंशन स्ट्रिंग में लगेगा। साथ साथ इस पुली के पास भी मास है, स्मॉल एम जी। लेकिन अगर पुली इक्विलिब्रियम में है, तो पुली कुल कितना फोर्स लगा रहेगी क्लैंप पे। तो पुली अगर तुम देखोगे, इन सभी फोर्सेस को एक पॉइंट पे फोकस करोगे, तो इधर आएगा टेंशन जो कैपिटल एम जी, और ये जो पैरेलल फोर्स है वो जुड़ जाएंगे, तो यह जाएगा कैपिटल एम जी प्लस स्मॉल एम जी। और ये देखोगे तो ये दिस इज द फोर्स ऑन पुली, ध्यान रखना, ये पुली पे लगा रहा हूँ पुली। तो पुली जो है नेट फोर्स पुली पे कितना आ गया, तो नेट फोर्स पुली पे इधर के डायरेक्शन में आ जाएगा, और दिस इज द फोर्स बाय द पुली ऑन क्लैंप। तो क्लैंप क्लैंप कितना फोर्स लगाएगा, इतना ही मैग्नीट्यूड में अपोजिट फोर्स लगाएगा बर मैग्नीट्यूड से। दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय द क्लैंप, एफ रेड कलर से जो है फोर्स अप्लाइड बाय द क्लैंप ऑन पुली अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट ये। तो हमें एफ या इस एफ का मैग्नीट्यूड निकालना है, बट दोनों का डायरेक्शन अलग है। तो एफ का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, तो कैपिटल एम जी का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल एम जी प्लस स्मॉल एम जी का होल स्क्वायर अंडर रूट। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बाई द पुली ऑन क्लैंप या बाई द क्लैंप ऑन द पुली, ठीक ना। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ से जी कॉमन आता है, तो कैपिटल एम का स्क्वायर प्लस यहाँ से कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम का स्क्वायर और अंडर रूट। तो इस लॉजिक से अगर देखोगे, तो जी कैपिटल एम और जी यहाँ से कैपिटल एम स्क्वायर, मतलब डी ऑप्शन अपना मैच कर जाएगा। आई होप कि आपको मज़ा आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।